खन्ना पुलिस ने 300 ग्राम हेरोइन के सहित एक नाइजीरियन को काबू किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी ध्रुव दहिया ने बताया कि समराला के नीलो पुल पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके चलते एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली गई तो उससे लिफाफे में लिपटी 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समराला थाने का नाका लगता है, वो चेकिंग दौरान एक नेशनल है जी, नाइजीरिया नेशनल मिस्टर ओबीजी चिको मेज, इन्हों उत्थे नाके से राउंड अप किया गया थी। ते नाके से राउंड अप करन तो इन्हों की खब्बी जेब जी है उस तो 300 ग्राम हीरोइन की बरामद की गई है। तो उदा है जी नाइजीरिया के नैशनल, पर करंटली ये अपने दिल्ली के ओम विहार फेज 3 ओम विहार उत्तम नगर के रेजिडेंट ने नीलोपुर तो जिदा जी रस्ता अगे लुधियाने भी जाता हैगा, ये अपना एक मेजर एक इंपॉर्टेंट नाका है। तो अगे कोई भी रूट हो सकता है जी, वो फिर एज पर इन्वेस्टिगेशन अगे फिर वो गलत सामने आ। नहीं जी, उन्होंने कोई संबंध नहीं है, वो रेसीडेंट थे जी तरन तारण के, ये नाइजीरिया नैशनल है। इस हूँ तक भी इन्वेस्टिगेशन तो कोई लिंक हजे तक कोई सामने नहीं जी, ये स्टूडेंट नहीं है, ये दिल्ली के रह रहे हैं। ये एग्जैक्टली उठे किन्ने टाइम तो रह रहे हैं, वीजा वगैरह ये सारे इशू अजे पुलिस ने वेरीफाई करने हैं। बट इन्ना अभी कह सकते हैं कि ये दिल्ली कुछ पिछले कुछ टाइम तो ये दिल्ली के रहते हैं। पासपोर्ट वगैरह हजे तक जी पुलिस ने कोई बरामद नहीं किया इन्हों का पासपोर्ट या वीजा, बट जो भी इन्हों के लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो अभी सारे वेरीफाई डेफिनेटली करावे और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी इनफॉर्म करा। Thank you.